मेरे पास कमेंट आती है पार्ट थ्री के लिए भाई, जिसमें 1000 आयरन गोलम और 2 लाख विलेजर्स की फाइट के लिए बोला गया है। तो क्या लगता है भाई, आज कौन जीतेगा? पहले जो भी फाइट हुई उसमें आयरन गोलम ही जीते हैं, लेकिन आयरन गोलम ज्यादा थे और विलेजर्स 2 लाख ही थे, उससे पहले 1 लाख थे, फिर भी ये हार गए थे भाई। और पहले 10,000 आयरन गोलम थे, फिर 5,000 आयरन गोलम थे, और आज है पूरे 1,000, सिर्फ 1,000 आयरन गोलम। भाई क्या लगता है कौन जीतेगा? विलेजर्स तो भैया भरे पड़े हैं, 2 लाख देख रहे हो भाई कैसे ऊपर भी खड़े हुए हैं, इस साइड भी भाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विलेजर ही विलेजर है, ये देख रहे हो भाई कैसे छत पर खड़े है भाई। तो आज का युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला भाई, तो भरे पड़े है यार, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, इतने सारे हो गए क्या ये? अरे भाई, अरे ये देखो कहाँ पर खड़ा है भाई, ये भाई आज का युद्ध खतरनाक होने वाला है, भरे पड़े हो भाई ये तो। चलो भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन जीतेगा। आप किसकी तरफ हो पहले ही कमेंट कर देना, बाद में चीटिंग मत करना, जो जीतेगा बताओ भाई आज कौन जीत सकता है। तो यहाँ पर आयरन गोलम भाग गए है, ऊपर से गिर रहे हैं भाई विलेजर से, भाई मर जाओगे, हड्डियां टूट जाएगी। अरे यार ये ऊपर से गिरने में ही डैमेज हो रहे, क्यों आ रहे हो फिर ऊपर से भाई? तो आयरन गोलम भाई घर में घुस चुके हैं इनके, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी भाई। पीछे से कैसे जंप कर कर क्या लग रहे ये, देखो यहां पर ये ऊपर से गिरने लग रहे हैं यार। भाई ये गलत जगह खड़े थे, ये तो यहां पर गिरकर मर रहे हैं क्या, ये नहीं बच रहे हैं, लेकिन ये डैमेज तो हो ही रहे होंगे भाई। विलेजर्स को तो उठा उठा कर पटक दिया। और ये क्या भाई, कुछ आयरन गोलम यहाँ पर खड़े और कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं भाई। कुछ आयरन गोलम यहाँ पर आ चुके हैं लड़ाई करने के लिए, सिर्फ 1,000 आयरन गोलम है भाई आज। भाई ये विलेजर्स कहाँ से आ गए वहां से? ओ भाई ये तो कहीं से पीछे से आ गए भाई, ये देखो ये कहीं और से निकल कर आ रहे है, कहाँ से आ रहे हो भाई तुम? भाई कितने सारे यार ये, आज तो मुझे लगता है आयरन गोलम की बैंड बजेगी। अरे पानी कहाँ से गिर रहा है? अच्छा बारिश आने लग गई यार धीरे धीरे। तो ये यहाँ से इस रास्ते से जा रहे हैं और ये यहीं खड़े हैं, ये कहाँ से जाएंगे? अच्छा ये यहाँ से जा रहे हैं निकल कर। ठीक है भाई जल्दी जाओ आयरन गोलम की बैंड बजा दो, जाओ भाई तुम भी। ये यहाँ खड़े है, ये अभी जाने लग रहे हैं, भाग रहे हैं, ये इस रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है मैं समझ गया भाई, ये क्या हो गया, यहाँ से भी कुछ बंदे पीछे की साइड भाग रहे हैं, ये वापस भाग गया, ये जाड़े लग रहा था उस साइड से, इसका मूड चेंज हो गया भाई, ये वापस इसमें घुस गया। तो अभी बहुत सारे विलेजर्स बचे हुए हैं और आयरन गोलम इस साइड भाई, कुछ यहाँ पर आगे लड़ रहे हैं तो कुछ यहाँ से पीछे की, इनको पता चल गया है कि पीछे की तरफ जो विलेजर्स आ गए हैं तो ये यहाँ से अपना रास्ता मोड़ रहे हैं भाई। अब कुछ भी हो सकता है, आयरन गोलम भी बहुत ज़्यादा चालू है भाई, इनको सब पता है, विलेजर्स बिल्ली के रूप में भालू है पर आयरन गोलम और भी ज्यादा चालू है। अरे यार यहाँ पर तो ये तो विलेजर्स को मार गए, नहीं ऊपर खड़े हो गए। गाइस आज के इस युद्ध में कुछ भी हो सकता है, अगर आयरन गोलम मारे जाते हैं तो ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, नहीं तो भैया 2 साल लग जाएंगे इस लड़ाई को खत्म होते होते। जैसे बाहुबली में युद्ध चला था ना भाई, ऐसे ही ये युद्ध चल रहा है। अरे क्या मुक्के मार रहे हो, मैं भी जाऊँ क्या भाई आयरन गोलम बनकर? तुम किसकी तरफ से हो, तुम ये बताओ, तुम विलेजर्स की तरफ से हो क्या? मैं हूँ आयरन गोलम, जा भाई लड़ यहाँ, इस अकेले को यहाँ पर ले जाके छोड़ दिया भाई मैंने, मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीचे में लिए। चलो एक एक को ना बिल्कुल बीच में ले जाकर छोड़ देता हूँ, मरवाऊँगा इसको, ठीक है देखता हूँ ये कितनों को मार पाएगा, इसके पीछे भागेंगे भी ये। आ जाओ 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 विलेजर्स, आ जाओ बेटा आ जाओ, इस साइड आ जाओ, अकेले को पिटूंगा तुम्हें यहाँ ले जाके, आ जाओ मेरे पीछे आ गए। अरे मुझे पकड़ोगे, इतनी हिम्मत रखते हो हैं भाई, इतनी इतनी हिम्मत रखते हो? ओ भाई ये तो बहुत गंदा मार रहे है। चलो इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, वो अकेले को देखता हूँ ये मार पाएगा इनको या नहीं मार पाएगा। वैसे अकेले को हो सकता है ये अकेले विलेजर्स को देख के पीट दे। अरे यार ये अकेला भी जीत गया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो बड़ा ही पावरफुल मैन निकला भाई। ओ ये क्या कर दिया भाई 1,000 आयरन गोलम ने भाई,
भाई ये चितड़े चितड़े कर दिए, कितने सारे विलेजर्स मारे गए भाई, देख रहे हो ऐसे जैसे भांग पी के पड़ा हो यहाँ पर, ये ऐसे लेटा है। भाई ये क्या हो गया, मेरे पेट में मुक्के मारे। ये यहाँ लड़ रहे हैं। ओ भाई ये यहाँ पर भी गलत ही सीन चल रहा है। पानी लीक कहाँ से हुआ, ये पानी कहाँ से आ रहा है भाई, ये लीकेज बंद करो ना, दीवारों पे से लीकेज है, यहाँ से भी पानी गिर रहा है यार। भाई ये दीवार तोड़ दे, इस दीवार पे ना पानी भरा हुआ था ताकि कोई भी बंदा बाहर से आता तो ये पानी उसको मार दे, लेकिन यार इसको भी नहीं मार पा रहे, यहाँ पर पानी भी आ गया यार, कुछ भी हो सकता है गाइस। अभी तो बहुत सारे विलेजर्स है यार भाई, बहुत सारे विलेजर्स है जिनको यहाँ से मौका नहीं मिल रहा जाने का। वो देखो क्या कर रहे हैं, ये दूसरे को बता रहे कि वहां से आ जाओ पीछे से, और ये देखो ये बंदे जैसे ये भाग गए ना, ये देखो इसने बताया कि पीछे से चलते हैं, और ये देखो भाई पीछे जाने लग गए। इनको पता है कि आगे से रास्ता बहुत लेट मिलने वाला है भाई, दिमाग तो है भाई, तू कहाँ जाएगा, तू पीछे से जाएगा क्या तू भी। हेलो भाई नाराज हो गया यार, मेरे से बात नहीं कर रहा भाई, शायद इनके पास कॉल आ रही होगी कि उस साइड से रास्ता खुला है, उस साइड से आ जाओ, और ये उस साइड से जा रहे हैं क्योंकि आगे से तो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखो कैसे भाग के जा रहे हैं, अभी तक तो ये भी खत्म नहीं हुए वहाँ, अरे ये भी आने लग रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे खड़े हैं यार, वो कितने सारे विलेजर्स अभी भी यहाँ है। 2 लाख थे भाई ये, 2 लाख सोच रहे हो भाई, भाई 2 लाख बहुत ज्यादा होते हैं यार। और ये देखो भाई ये मारते मारते यहां तक आ गए, मुझे लग रहा है ये इनको मार के पीछे से इनको घेर लेंगे, लग रहा है मुझे ऐसा। अगर ये सभी मारे गए ना तो ये पक्का पीछे की साइड जाएंगे यहां पर, और इनको ये पीछे से घेर कर मारेंगे। और भी ज्यादा आ गए, इनको पता चल गया है कि उस साइड जो उनकी पिटाई होने लग रही है, तो ये पीछे का रास्ता चुन रहे हैं भाई। जाओ भाई भाग जाओ भाई भाग जाओ, ये भी भाग गए भाई, पीछे से जाने की कोशिश कर रहे हैं ये सभी के सभी। भाई कितनी पब्लिक है यार यहाँ पर, ओ भाई, और यहाँ जाकर इनकी हो रही है कुटाई, ये और भी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं भाई आयरन गोलम। मुझे लगता है ये स्पीड से भागते हैं, और एक मुक्के में तो भैया विलेजर खत्म है। बारिश भी आ चुकी है, रात हो जाएगी भाई मुझे लगता है जैसे, तो चलो देखते एक बार उस गेट पे भी देख लेते हैं, और कहीं से भी आ रहे हैं क्या ये भाई। यहाँ पर तो थोड़े ही आयरन गोलम है, जो ये पीछे वाले आयरन गोलम है ना, ये अगर उस साइड चला जाए ना तो बढ़िया भाई, क्योंकि ये तो फाइट ले ही नहीं पा रहे, फाइट तो बस ये आगे वाले ये ले रहे हैं। वैसे थोड़ा सा और आगे आ गए हैं भाई, इनको मुझे नहीं लगता इनको और ज्यादा आगे ये आने देंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं आने देंगे भाई ये, इसे यहीं पर फाइट चल रही है, यहीं पर मुक्के लात गुस्से चल रही है इनकी, कैसे टूट कर पड़ रहे हो भाई विलेजर्स यार। सही में भाई हिम्मत तो है यार, इतने सारे विलेजर्स मारे गए लेकिन फिर भी ये डर नहीं रहे भाई, तो देखते आज किसकी जीत होगी। मुझे तो लगता है यार आज विलेजर्स को जीत जाना चाहिए यार, इतने सारे विलेजर्स भरे पड़े, देख रहे हो कैसे खिचड़ी बनी हुई है भाई इनकी, कुछ तो यहाँ पर भी है भाई, तुम क्या कर रहे हो। ओ ओ भाई 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 भाई, भाई सॉरी यार, ये क्या हो गया, विस्फोट हो गया भाई तगड़े वाला। भाई ये क्या विस्फोट हो गया यार, वहां पर बम था क्या। यहाँ पर क्या था भाई, ये कैसे ब्लास्ट हुआ, मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पर बम रख दिया था, अगली बार जो है कहीं और फाइट करानी पड़ेगी। और भाई कितने सारे विलेजर्स मारे गए भाई इस विस्फोट में, भाई आगे से इनकी फाइट कराएंगे हम दोबारा फिर से, 1,005 लाख की, सॉरी 2 लाख की, क्योंकि यहाँ तो गड़बड़ हो गई है भाई, यहाँ पर विस्फोट हो चुका है जिसकी वजह से बहुत सारे विलेजर्स मारे गए हैं। अरे यार ये गलत हो गया भाई,
आयरन गोलम भी मारे गया भाई उस विस्फोट से। ये किया किसने था, विलेजर्स ने किया था या फिर आयरन गोलम ने किया था या फिर मैंने किया था, बताओ भाई कमेंट में। लेकिन बहुत सारे विलेजर्स मारे गए भाई, ये बच गए भाई, यहाँ तक ये भी बच गए है, शाम भी हो गई है भाई। अगली बार जो फाइट होगी ना वो ओपन में कराएंगे इनकी। यहाँ पर तो विस्फोट गंदा हो गया, क्या मौसम हो चुका है भाई यहाँ का। अब ये मारे गए भाई बेचारे। अरे विलेजर्स भाई, अरे विलेजर्स भैया ऐसे कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर भाई। ये इनको तो लड़ाई का मौका भी नहीं मिला। ये क्या हो गया भाई, ओ इनको कुछ इफेक्ट नहीं होगा शायद, ये बहुत दूर फटा है ये वाला तो। ये क्या चल रहा है भाई, ऐसे कैसे हो रहे हैं ये। यहाँ पर तो न्यूक धमाका हो रहा है, चिंगारियां गिर रही है भाई। मुझे ये कहते हुए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि आज भी आयरन गोलम जीत चुके हैं और वो भी स्विस्पोर्ट की वजह से। तो अगली बार अगर चाहते हो आपकी ओपन में लड़ाई हो तो बताना मुझे कमेंट में। अगली बार यही सेम 2 लाख विलेजर और 1 लाख, 1 लाख नहीं सॉरी 2 लाख विलेजर्स और 1000 आयरन गोलम की फाइट हम वहाँ खुले मैदान में कराएंगे। यहाँ तो यार पंगा हो गया है, ये समझो आयरन गोलम जीत चुके हैं भाई। तबाही का मंजर देख सकते हो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, प्यार से रहा करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस।